हाय गाइस, दिस इज राइट एकेडमी। मैं बहुत देर से कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि अभी एमपीपीएससी का मेंस भी है और यूपीएससी का मेरा प्री का भी था, इसलिए एमपीपीएससी मेंस का जो लोग दे रहे हैं उनके लिए सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और मैं करंट अफेयर का पूरा इस बार अभी डाले दे रहा हूँ ताकि एमपीपीएससी मेंस के लिए भी हो सके। मैं भी एमपीपीएससी मेंस अपीयर हो रहा हूँ 23 जुलाई से जो कि है। इससे पहले एक जो हाल ही में न्यूज आई मध्य प्रदेश की, उस पर मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ और इवनिंग में इसका करंट अफेयर पूरा एमपी का मैं अपडेट करूंगा, तो उसे एक बार आप जरूर देखिएगा। जैसे कि आप सभी को कि मध्य प्रदेश का एक नया जिला बना है 52 जिला 52 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये घोषित हुई है। अभी 60 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जैसे गजट में आएगा तो फिर उसके बाद बनेगा। तो मध्य प्रदेश का एक नया जिला बनने जा रहा है निवाड़ी। इससे इम्पोर्टेंट ये है कि टीकमगढ़ जिला है उसकी एक तहसील हुआ करती थी, उससे अलग होकर के अब कौन सा जिला बनेगा, निवाड़ी जिला बनेगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है, टीकमगढ़ जिले से अलग हो रहा है। दूसरा, इसमें तहसीलें कौन कौन सी होंगी टीकमगढ़ की, निवाड़ी जो कि संपूर्ण निवाड़ी तहसील थी वो खुद एक जिला मुख्यालय भी होगा। दूसरा है ओरछा और तीसरा पृथ्वीगढ़, ये तीन तहसीलों को मिलाकर के एक नया जिला बन रहा है, 52 जिला होगा मध्य प्रदेश का निवाड़ी। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो टीकमगढ़ के स्थानीय निवासी हैं वो क्या कह रहे हैं कि और इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ओरछा जो है आपको पता है, ठीक है, बुंदेलखंड के लिए महत्व रखता है, बुंदेला जो है राजपूत उनके लिए, तो इनके लिए क्या है एक विरासत है, ठीक है, इनकी पहचान है टीकमगढ़ जिले वालों की। तो ये कह रहे हैं कि ओरछा चूंकि इसमें चला जाएगा निवाड़ी, तो इनकी एक पहचान आइडेंटिटी जो है और महत्व ऐतिहासिक महत्व है ओरछा का, इसलिए सभी टीकमगढ़ वाले क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है और सभी के लिए अपनी अपनी राय मांगी गई है। तो आपसे इम्पोर्टेंट क्या है, 52 जिला निवाड़ी। और मैं अभी करंट अफेयर का वीडियो अपडेट करूंगा, उसे जरूर देखिएगा। ओके, गुड।